आजादी अमृत महोत्सव एक ऐसा पल जब रामलीला मैदान में हजारों लोगों के द्वारा सामूहिक वंदे मातरम गाकर एक इतिहास बनाया गया। उन्नाव में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के ओजस्वी भाषण ने आमजन में राष्ट्रवाद का जोश भर दिया। आजादी अमृत महोत्सव समिति के द्वारा आयोजित 16 दिसंबर को सामूहिक वंदे मातरम में हजारों लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर आए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लोगों में राष्ट्रवाद का जोश भरने का काम किया। उन्होंने हिंदू समाज से जागरूक एवं सशक्त होने की अपील की। उन्होंने बताया कि किस तरह से देश के असली इतिहास पर पर्दा डालने का काम किया गया। सच्चे नायकों को इतिहास में जगह नहीं दी गई, जबकि लूटेरे विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन ने किताबों भर दी। उन्होंने भारतीय राजनीति में सर्कुलिज्म के नाम पर चलाए जा रहे फ्रॉड व तुष्टिकरण की मुहिम पर प्रहार किया और हिंदू समाज को लव जिहाद व लैंड जिहाद से सावधान किया। आयोजित समिति के संयोजक के तौर पर विमल द्विवेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और आगंतुकों का स्वागत किया। समिति के द्वारा अतिथियों से शहीद परिवारों, स्वतंत्रता संग्राम परिवारों, महापुरुषों से जुड़े सामाजिक संगठनों में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सतरुद्र प्रताप सदस्य बोर्ड ऑफ गवर्नर नेहरू युवा केंद्र प्रांत प्रचार डॉक्टर अशोक दुबे, विभाग प्रचारक आलोक संरक्षक जितेंद्र, आशीष सिंह, मंच के जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी, अवनीश तिवारी, शिव सेवक त्रिपाठी, अविनाश द्विवेदी, मनीष अवस्थी, विक्रम द्विवेदी समेत सभी जनपद के सामाजिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद। जगत के भाग्य विधाता आरती भारत माता की जगत की।